हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मल्टी रोज लाइफ। साथियों, आज हम आपको बताएंगे ऑनियन हेयर ऑयल को बनाने की विधि और उससे होने वाले फायदे। आपसे यह भी निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब करें, जो कि पूर्णतः फ्री है। सब्सक्राइब के बाद सब्सक्राइब के साथ वाले ऑप्शन बेल को भी प्रेस करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। दोस्तों, आदमी हो या औरत, खूबसूरत बाल हर कोई चाहता है, लेकिन व्यस्त दिनचर्या के चलते बालों का ख्याल रखना नामुमकिन होता जा रहा है और इसी वजह से बालों की समस्या बढ़ती जा रही है। बालों का समय सफ़ेद हो जाना, बालों का कमज़ोर पड़ना, बालों का गिरना, गंजापन, उलझते टूटते बाल, बालों की ग्रोथ ना हो पाना आदि जैसी समस्याओं का सामना हम में से बहुत से लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बालों की समस्याओं के लिए आपके घर में एक रामबाण इलाज मौजूद है, और वो है हर घर की रसोई में मिलने वाली बहुत ही सस्ती और बहुत ही गुणकारी प्याज। बालों का झड़ना, असमय सफेदी या रूसी की समस्या तो आम हो गई है, बालों की इन उलझनों के लिए प्याज एक वरदान है। जी हाँ, प्याज आपके बालों को झड़ने, रूसी, सफेदी और गंजे होते सिर की समस्याओं को दूर करती है, क्योंकि प्याज में सल्फर नामक मिनरल भरपूर मात्रा में होता है, जो कि बालों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, एक आम सा प्याज आपके बालों को बढ़ने की रफ्तार को दोगुना तक बढ़ा सकता है, इसीलिए बालों को बचाने के विकल्प के रूप में आप प्याज का प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, प्याज के नियमित इस्तेमाल से आपके बालों में जान आएगी और वो और भी मजबूत होंगे। साथियों, प्याज में दुर्गंध होने की वजह से अक्सर ही सौंदर्य प्रसाधन की बात होने पर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन दोस्तों, प्याज नज़रअंदाज करने वाली चीज़ नहीं है। तो आज हम आपको बताएंगे प्याज के तेल को कैसे बनाना है और उसके फायदे। सबसे पहले आप 3 से 4 अच्छे प्याज लें और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर मिक्सर में ग्राइंड कर लें और उसका जूस निकाल लें। अब इसमें 1 चम्मच ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल और 1 चम्मच नारियल तेल डालें और फिर इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिला लें। अब ये आपका ऑनियन ऑयल रेडी है, यानी प्याज का तेल। अब साथियों, इसको इस्तेमाल कैसे करना है? अब इस तेल को आप अपने बालों की जड़ों में लगाएं और सर की अच्छी तरह से मालिश करें। मालिश करने के बाद इसे 15 मिनट के लिए लगा रहने दें। अगर आप चाहें तो इसे थोड़ी और देर तक भी लगा सकते हैं। थोड़ी देर बाद आप अपने सर अपने रेगुलर शैम्पू से धो लें और इस तेल के नियमित इस्तेमाल से आपके बालों से जुड़ी सारी समस्या खुद ही दूर होने लगेंगी। दोस्तों, इसके अलावा बालों को झड़ने से रोकने के लिए आप प्याज और एलोवेरा का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रतिक्रिया भी बालों का झड़ना रोकने तथा इनकी अच्छी ग्रोथ में काफ़ी सहायक होती है। 1 कप बने ताज़ा प्याज के रस में 1 कप ताज़ा निकाले गए चम्मच एलोवेरा के गूदे के साथ मिलाएं और इसे अच्छे से मिश्रित करें तथा इस मिश्रण को अपने सर और बालों पर अच्छी तरह से लगाएं और फिर इस पैक को अपने बालों में अच्छी तरह से जमने दें। लगभग 1 घंटे में ये पैक आपके सर पर जम जाएगा। जब ये सर आपके सर पर अच्छी तरह से जम जाए, उसके बाद आप अपने बालों को कंडीशनर या फिर हेयर क्लीनर्स की मदद से धो लें। साथियों, ये उपाय बालों का झड़ना रोकने के लिए एक बेहतरीन उपायों में से एक है। तो साथियों, चलिए आपको बताते हैं और भी फायदे। प्याज का सेवन ना सिर्फ आपके स्वास्थ्य बल्कि आपके बालों को भी प्रभावी बढ़त के लिए भी काफी लाभदायक सिद्ध होता है। प्याज को अपने रोजाना के खान पान में और सलाद में शामिल करें, इससे आपके बालों को काफी मजबूती और स्वास्थ्य प्राप्त होगा। कच्चे प्याज का सेवन करने से आपको बहुत फायदा मिलेगा, लेकिन इसके मुकाबले अगर आप प्याज के रस का प्रयोग अपने सिर और त्वचा पर करते हैं तो इससे आपको अपेक्षाकृत तीव्र गति से लाभ होगा। साथियों, अगर आपके बाल धोने के बाद भी आपके सर से प्याज की स्मेल नहीं जाती तो आप थोड़ी देर बाद फिर से सर को धो सकते हैं, लेकिन यदि आप प्याज के ऑयल का या प्याज के रस का बेहतरीन परिणाम चाहते हैं तो बेहतर है कि आप अपना सर अगले दिन ही धोएं। तो साथियों, ये हमने आपको बताया ऑनियन हेयर ऑयल बनाने की विधि और उसके कुछ फायदे। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। ऐसी ही जानकारियाँ हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। आपसे ये निवेदन है, आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा औरों तक भी शेयर करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके द्वारा और साथियों तक भी पहुँचती रहें। बाय, टेक केयर, बी हैप्पी। धन्यवाद।